हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द 8th चैप्टर ऑफ क्लास 6, दैट इज डेसिमल्स। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेसी। डेसी मींस 10। जब हम एक नेचुरल नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में या 10 के मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उन टाइप के नंबर्स को, तो हम जब एक पॉइंट पे एक नंबर डिनोट करते हैं तो उन टाइप्स के नंबर को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल्स। अगर हम देखें कि हम डेसिमल को रीड एंड राइट कैसे करते हैं, तो डेसिमल नंबर क्या होता है? उसके अंदर एक होल नंबर पार्ट होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। जो पॉइंट होता है या डॉट बोलते हैं इसको, उसको आप क्या बोलते हैं? डेसिमल। जैसे कि एक एग्जांपल ले 2.4, तो ये इसमें टू होल्स हैं, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, ये आपका होल नंबर पार्ट है और ये जो है आपका डेसिमल पार्ट है। 0.4 को आप कैसे डिनोट करते हैं? 4 / 10। जब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो आते हैं उनमें हम 10 से 100 से उतने 1000 से, डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ द डेसिमल, उसने नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड। और जो डेसिमल पार्ट होता है वो हमेशा आपका 1 से छोटा होता है। इसको रीड कैसे करेंगे? 2.4 या फिर हम बोलेंगे 2 and 4 tenths। इसको टेंथ्स क्यों बोला? जब हम अभी प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ेंगे डेसिमल्स की, देन यू विल गेट इट क्लियर। अगर किसी भी डेसिमल के फ्रंट में जीरो है तो वो बताता है कि वो आपका 1 से छोटा है, 1 होल से छोटा है। इट मींस वो 1 से आपका छोटा है। जैसे 0.9 है तो इसके डेसिमल से पहले, डेसिमल के फ्रंट में जीरो है, इट मींस 0.9 जो है वो आपका 1 से छोटा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंथ्स। टेंथ्स कैसे डिनोट करते हैं हम? 1/10 फ्रैक्शनल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 0.1। इसका मतलब है कि जब हम एक होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। नाउ नेक्स्ट इज हंड्रेड्स। जब हम एक होल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स। उसको डिनोट करते हैं हम फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/1000, और इसको डेसिमल फॉर्म में 0.01। इसको हम रीड करते हैं 0/1 tenths या फिर 0.1, और इसको हम रीड करते हैं 1/100 या फिर 0.01। पीछे वाले नंबर को आप 0/1, हर एक डिजिट को अलग अलग रीड करेंगे। अब थाउजेंड्स, जब एक होल 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई 1/1000, डेसिमल फॉर्म हो गई 0.001, रीड करेंगे 1000 या फिर 0.001। नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये प्लेस वैल्यू टेबल हमारी इधर वाली तो सेम रहेगी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इधर डेसिमल के बाद टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और आगे कंटिन्यू करेंगे तो 10,000s, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 3.5 को डेसिमल में लगाना है तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो वंस में 3, 5 आपका टेंथ्स में, 781.47, तो पॉइंट से पहले वंस, टेंथ्स, हंड्रेड, तो वंस में 1, टेंथ्स में 8, हंड्रेड्स में 7, और 4 आपका टेंथ्स में एंड 7 आपका हंड्रेड्स में। सिमिलरली 0 आपका वंस में, 2 आपका टेंथ्स में, 5 आपका हंड्रेड्स में, 3 आपका टेंथ्स में, 5 आपका हंड्रेड्स में एंड 1 आपका थाउजेंड्स में। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि अगर आप देखें, यह है आपका 2.3, तो 2.3 आपको पता है 2 और 3 के बीच में आता है, तो आप होल नंबर का जो बनाते हैं हम होल नंबर लाइन बनाते हैं नंबर लाइन, तो 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे और बीच में उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल इक्वल गैप होना चाहिए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और ये 2.10 पे तो 3 है और 2.0 पे आपका 2 है। अब आपने 2.3 डिनोट करना है, तो ये आपका 2.3 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2.3। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? जैसे आपका 48.15 है, तो आप पहले इसको आपने हमने लिख दिया ऊपर वंस, टेंथ्स, और पॉइंट के बाद टेंथ्स, हंड्रेड। 48 यहाँ पे आ गया, 15 आपका यहाँ पे आ गया। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम 48 को तो जनरल एक्सपेंड करेंगे 40+8, इसको आप लिखेंगे 1/10 और इसको आप लिखेंगे 5/100, क्योंकि ये टेंथ्स प्लेस पे तो नीचे 10 आ गया, और हंड्रेड्स प्लेस पे होता है तो नीचे क्या आ जाता है आपका? हंड्रेड। और थाउजेंड्स पे होता है तो नीचे थाउजेंड। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। अब 40+8 एज इट इज, 1/10 को कैसे लिखते हैं हम? 0.1। और 5/100 को कैसे लिखेंगे? दो डिजिट्स हैं
तो दो डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगाना है। तो ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर उससे पहले जीरो ऐड कर दूंगी। अगर हम किसी भी नंबर के आगे लेफ्ट साइड में जीरो ऐड करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, 50 इसके पहले पॉइंट लगाना है, तो ये बनेगा आपका 0.05। तो ये टाइप की जो फ्रैक्शन है ये हो गई आपकी फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, और ये जो एक्सपेंशन है ये हो गई आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे आपको ये दे रखा है इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो पहले आप फ्रैक्शनल एक्सपेंशन को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। 6 ये हो गया 0.5 एक डिजिट, क्योंकि 10 है, 20 है, तो टू डिजिट्स पहले, 0.04 एक डिजिट तो आपको दे रखी थी, एक डिजिट के लिए आपने पहले लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से जीरो ऐड कर दिया। और पॉइंट से पहले आपका एक डिजिट होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं जीरो ऐड करूंगी। यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं तो वन डिजिट तो ये रही, टू डिजिट्स के लिए जीरो ऐड कर दिया पॉइंट, और उससे पहले मैंने लगा दिया जीरो, तो ये बन गया आपका 0.09। तो आपका नंबर क्या बन गया, वंस के लिए 6, टेंथ्स के लिए 5, हंड्रेड्स के लिए 4 और थाउजेंड्स के लिए 9। तो आपका नंबर बन गया 6.549। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं, जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम हो, और अनलाइक डेसिमल्स जिनके डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हों। जैसे कि 0.8, 0.5, 8.3 सबका डेसिमल के बाद एक एक नंबर है, मतलब 1-1 डेसिमल प्लेस है। इसमें अगर आप देखें 2.25, इसमें 8.01, 17.67, इस सब में डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं, इट मींस इसके टू डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये भी लाइक डेसिमल्स हैं और ये भी लाइक डेसिमल्स हैं। अब अगर हम ये अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल देखें तो 0.8, 1.53, 3.751, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 और इसमें 3, तो तीनों में अलग अलग हैं, इट मींस दे आर अनलाइक डेसिमल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं। पहला है आपका 13/10। अब यहाँ पे 10 है, 1 के साथ 10 है, 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 है, इट मींस ऊपर आपके 1 पॉइंट से पहले लग जाएगी पॉइंट। जैसे कितना है यहाँ पे 1, कितना नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1, तो हम पहले सिर्फ न्यूमरेटर लिखेंगे और हम 1 पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और वहां पे क्या लगा देंगे पॉइंट। सिमिलरली अगर ये है 75/100 तो इसमें 2 जीरोज़ है, तो 2 पॉइंट पहले हम पॉइंट लगाएंगे। अब इससे पहले कोई डिजिट नहीं है लेकिन डेसिमल से पहले कोई डिजिट होनी चाहिए, तो हम 0 लिख देते हैं। अगर हमारे पास इनफ डिजिट ना हो न्यूमरेटर में तो हम क्या करते हैं, 0 को लेफ्ट की तरफ क्या कर देते हैं ऐड, ताकि हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए। जैसे कि आपका ये है 8/1000, 3 जीरोज़ है, तो मुझे 3 डिजिट से पहले लगाना है पॉइंट, बट ऊपर एक ही डिजिट है तो इसके लेफ्ट साइड मैंने 3 जीरोज़ लगा दी। अब मुझे 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 1, 2, 3 लेफ्ट की तरफ यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये बन गया आपका 0.08, लेफ्ट की तरफ मूव करें आप। मिक्स्ड नंबर को जब हमें डेसिमल में करना हो तो मिक्स्ड को आप पहले इम्प्रॉपर में करेंगे, फिर जैसे हम करते हैं 2 जीरोज़ हैं तो 2 से पहले पॉइंट लगाया, 16.37। नाउ नेक्स्ट इज जब हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में करना हो, जैसे कि आपका 0.9 है तो इसमें 1 डेसिमल पॉइंट है, तो हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव करा तो सिर्फ 9 रह गया, और 1 के साथ हमने 10 लगा दी क्योंकि एक ही डेसिमल पॉइंट था। अब ये है 2.39, इसमें 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो 239 अपॉन में 1 के साथ 2 जीरोज़ लगेंगी, बिकॉज आपके डेसिमल प्लेसेस कितने थे 2, तो यहाँ पे 1 के साथ कितनी जीरोज़ लग गई 2। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम होती है डेसिमल नंबर्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब एक आपका कंक्लूजन है कि अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर के एंड में 0 को लिख दें या 0 को रिमूव कर दें, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि 0.3, 0.30 इसके पीछे एक जीरो लिख दी, 0.300 इसके पीछे 2 जीरोज़ लिख दी, ये तीनों आपस में क्या हैं, आपके इक्वल है। प्रूफ देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाया तो 3, एक डेसिमल पॉइंट था तो 1 के साथ 10, डेसिमल हटाया तो 30, 2 डेसिमल प्लेसेस थे तो 1 के साथ 2 जीरोज़, डेसिमल हटाया तो 300, 3 डेसिमल प्लेसेस थे तो 1 के साथ 3 जीरोज़। अब 3/10 तो 3/10 रह गया, इधर 10 से 10 कैंसल, ये भी 3/10, 20 से 20 कैंसल्स, ये भी 3/10। ओवरऑल आंसर तीनों का क्या आ रहा है, 3/10। इट मींस अगर हम एंड में डेसिमल पॉइंट के एंड में 0 ऐड कर दें या रिमूव कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये हमें बताता है कि 0.3, 0.30 एंड 0.300 क्या है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
नाउ हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले हमें उन्हें इक्विवेलेंट बनाना होता है. जैसे 7.5, 3.28, 8.001, तीनों आपके क्या हैं, अलग हैं. एक डेसिमल प्लेस है, दो और तीन, तीनों के तीनों क्या हैं आपके, अनलाइक डेसिमल है. पहले आप इसको लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके इक्विवेलेंट के इक्वल करेंगे. सबसे मैक्सिमम कितना है आपका, थ्री, तो तीनों में आपने थ्री डेसिमल प्लेसेस बना लें. इसमें आपका एक था तो थ्री बनाने के लिए दो जीरोस एंड में ऐड कर दी. एंड में जीरो ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती. सेम इसमें टू डेसिमल प्लेस थे, थ्री बनाने के लिए एक जीरो ऐड कर दी और ये तो ऑलरेडी आपका थ्री प्लेसेस का था. अब इसमें भी थ्री डेसिमल प्लेस, इसमें भी थ्री डेसिमल प्लेस एंड इसमें भी थ्री डेसिमल प्लेस, तो ये तीनों की क्या हो गए अब, लाइक डेसिमल्स. तो इस तरह से हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं. नाउ हम कंपेयर कैसे करते हैं. अगर आप देखें तो 12.36 और 12.38 को कंपेयर करना है. अगर आप पहले देखेंगे कि वो लाइक है या नहीं, आप अगर आप देखें तो ये दोनों लाइक हैं क्योंकि दोनों में दो डेसिमल प्लेसेस हैं. ये आपके लाइक हैं, लाइक डेसिमल्स हैं. तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. पॉइंट हटाया, वन के साथ टू जीरोस, इधर से भी पॉइंट हटाया तो वन के साथ टू जीरोस, फ्रैक्शन में चेंज हो गई. अब सिर्फ हम होल नंबर लिखेंगे ऊपर वाला, 1236 और 1238. अब मुझे पता है 1236 आपका 1238 से छोटा है. इट मीन्स 12.36 इज स्मॉलर देन 12.38. अब अगर मुझे अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट करना हो तो पहले मैं उसको लाइक में कन्वर्ट करूंगी. इसमें वन डेसिमल प्लेस है, इसमें टू, तो मैंने दोनों में टू डेसिमल प्लेस करने के लिए इसके एंड में जीरो ऐड कर दिया. ये भी लाइक हो गया, ये लाइक, दोनों में टू टू डेसिमल प्लेस है, दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए. फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 100 हटा के 570 और 536 को कंपेयर करा तो 570 आपका 536 से बड़ा है. इट मीन्स 5.7 इज ग्रेटर देन 5.36. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा इसमें से लाइक डेसिमल का ग्रुप नहीं है. फर्स्ट पार्ट देखें तो सब में टू टू डेसिमल्स हैं तो वो लाइक है. सेकेंड पार्ट में सब में थ्री थ्री डेसिमल्स हैं तो ये भी लाइक हो गया. इसमें टू टू डेसिमल्स हैं तो ये भी लाइक हो गया. इसमें वन डेसिमल, टू डेसिमल, टू डेसिमल, तो ये आपका अनलाइक का ग्रुप हो गया. तो इसका आंसर आ गया सी. अब आपको 624.7 लिखना है, मतलब टेंथ प्लेस पे आपने क्या डालना है, सेवन. तो हम ऐसे लिखेंगे 624.7. इसको कैसे लिखेंगे, 2043.10 टेंथ प्लेस पे वन और हंड्रेड प्लेस पे 5.15. 9.06 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 9, वन से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि वो आपका वंस प्लेस पे है, प्लस 6 अपॉन में 100 आना चाहिए तो 1/100 से हो रहा है क्योंकि वो आपका हंड्रेड प्लेस पे है. तो इसका आंसर आ गया आपका सी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल पेयर्स एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन. अगर आप ये देखें तो ये 11 पॉइंट समथिंग है, ये 10 पॉइंट, तो 11 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है. इधर अगर आप देखें तो ये 3.755, 3.765, तो 755 आपका छोटा होता है 765 से, तो ये ग्रेटर हो गया. इसमें 5.673 और 5.632, तो 673 आपका 632 से बड़ा है तो ये ग्रेटर हो गया. ये 5.94, ये 6.1, तो 5 से बड़ा आपका 6 होता है तो ये आपका ग्रेटर हो गया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, फ्रैक्शनल नंबर में आपने कन्वर्ट करना है. आपका दे रखा है 500, 4 टेंस, 2 वंस, 2 टेंस एंड 700. तो पहले आप इसको लिखेंगे, 500 पे है तो 5, 4 टेंस, 2 वंस, 0.2 टेंस, 700. अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस आएंगी, टू डेसिमल प्लेसेस थे तो वन के साथ आपकी टू जीरोस आ गई. नाउ सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे खुद. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. हमें डेसिमल नंबर लिखना है हर एक का, 5 वंस, 6 टेंथ्स, 400, 2000. तो 5 वंस, 0.6 टेंथ्स, 400, 2000, तो बन गया आपका 5.642. फोर्थ पार्ट और बता रही हूँ, 2000s प्लस 2000s, तो 1000s प्लेस पे 2 आ गया, 100 प्लेस पे 0, 10s प्लेस पे 0, 1s प्लेस पे 0, पॉइंट, 10s प्लेस पे 0, 100s प्लेस पे 0, फिर 1000s प्लेस पे क्या आ गया, 2. तो ये क्या बन गया आपका, 2000.002. इसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड पार्ट खुद ट्राई करेंगे. नाउ आपको ये बताना है कि कौन से लाइक है और कौन से अनलाइक.
तो इसमें दो डेसिमल प्लेस है, इसमें वन, तो ये अनलाइक हो गया। इसमें वन डेसिमल है, इसमें भी वन, इसमें भी वन, तो ये लाइक हो गया। इसमें टू डेसिमल प्लेस है, इसमें भी टू डेसिमल प्लेस है, तो ये आपका लाइक हो गया। इसी तरह से आप इसके सारे पार्ट चेक करेंगे। नाउ सेवेंथ हमें कंपेयर करना है, ये आपका 6.85, ये 8.95, तो 8 आपका 6 से बड़ा है तो ये बड़ा है, ये 535.7, ये 536, तो 536 आपका 535 से बड़ा होता है तो ये बड़ा हो गया। इसमें अगर आप देखें तो 1.0001 और 1.0199, इसमें अगर आप देखें तो 1 सेम है आपका, उसके बाद 0 आपका सेम है, उसके बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो आपका 1 0 से बड़ा होता है तो ये आपका ग्रेटर हो गया। इसी तरह से आप इसके बाकी के पार्ट्स करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, 6 पार्ट्स दे रखे हैं। 13.21 का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, तो 13 को आप कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 3, टेंथ प्लेस पे तो 2/10, वंस हंड्रेड प्लेस पे तो 1/100। अब मैं इसको आपको एक और पार्ट बता रही हूँ, दैट इज सेकेंड पार्ट, 45.201। तो 45 को आप लिखेंगे 40+5, टेंथ प्लेस के लिए 2/10, हंड्रेड प्लेस पे 0 है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है, और थाउजेंड प्लेस के लिए 1/1000। ये मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में किया है, अगर आपको डेसिमल फॉर्म में बोला जाए तो आप इसका साथ साथ डेसिमल फॉर्म में भी कर सकते हैं। दैट इज 10+3+0.2+0.01, और इसका क्या होगा, 40+5+0.2+0.001। सिमिलरली आप बाकी के पार्ट्स का करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कि हम फ्रैक्शंस में डेसिमल में चेंज करना है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 या कोई भी 10 का मल्टीपल नहीं है, तो हम किस तरह से करेंगे। जैसे कि आपको 21/8 है, तो आप करेंगे 21 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 to the 16। चलिए हम ये वाला कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए आप 8.1 ट्राई करेंगे, एंड आई विल टेल यू अबाउट द दिस कंसेप्ट एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।